बधाई हो सर, आपके घर में लक्ष्मी आई है। जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। अनिल सर, ये गाना जो है ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसकी जो लिखत है, इसका जो संगीत है, इसका जो पूरी ट्यून है, जिस तरह ये पिक्चराइज किया गया है, इट इज एब्सोल्युटली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पीसेस यू हैव एवर सीन ऑन द इंडियन स्क्रीन। ये मेरी खुश नसीबी है कि मुझे गाना मिला। मैटर ऑफ मैं फिल्म करने ही रहा था 1942 लव स्टोरी। मुझे याद है मैंने विनोद को भी कहा और उसके भाई वीर को भी कहा कि यार तुम लोग मेरे यार किसी यंग लड़के को ले लो यार, कहाँ मुझे लव स्टोरी करवा रहे हो तुम लोग, मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। मगर जब मैंने गाने सुनने बोले यार ये गाने कोई और हीरो नहीं गा सकता, ये गाना तो मैं ही गाऊँगा। और ये गाना हमने अपनी नई फिल्म में भी यूज़ किया है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। पर इन दोनों ने आज कमाल कर दिया, कहीं ना कहीं मेरा ध्यान इन दो बच्चों पर गया। कितने टैलेंटेड हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में वो बात है, आपके चेहरे में, आपका अंदर वो टैलेंट है कि सिर्फ आप अभी ही नहीं इतने पॉपुलर लोग आपको चाहेंगे, मगर मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने इसी तरह मेहनत की तो आप मेरे ख्याल से बहुत बड़े हीरो बन सकते हैं, बहुत कल अच्छे एंटरटेनर बन सकते हैं। थैंक यू सर सो मच सर। सो गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू ऑल एंड इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। यस थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बोलूं यार, क्या जोड़ी है। ऐसे मतलब लगता है दो अलग अलग मंदिर से जूते चोरी के और एक ही नंबर के निकले। थैंक यू सर, क्या बात है, बहुत मजा आई। ये तो मतलब ए गीता फोड़ दे यार, तोड़ दूँ। हाँ दादा दो दो
मेरे तरफ ये से। ये दादा की तरफ से, ये दादा की तरफ से ये होता है। दादा आपका हक मैं कभी नहीं छीनूंगी। देखो ना ब्रेक काट के बनता है ये। परफॉर्मेंस के बारे में ये कहूंगी कि गौरव आपका सोलो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आई थॉट इट वाज वेरी गुड, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड एंड वेरी वेल परफॉर्म। हर मोमेंट आपने बहुत अच्छा क्रिएट किया। वो ख्वाब का मोमेंट, वो चांदनी रात वाला मोमेंट, चांदनी रात जैसे, वो पालने के साथ आपने जितना काम किया वो बहुत अच्छा था। I have to say के both of you choreography के लिए, for execution, for your heart, तुम्हारे अंदर की ताकत तो हमें बिल्कुल बखूबी नजर आई है, तो अब देखते हैं कि क्या वो ताकत हमारी प्यारी जूही जी आपको नजर आई कि नहीं आई। क्या कहेंगे आप इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बारे में? मैंने एक चीज नोटिस की, पूरे परफॉर्मेंस के दौरान राजकुमार जी और जूही मैम ऐसे थे। सर मैं तो अभी तक ऐसे ही हूँ। हाँ हाँ,
ये खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, मेरा तो खामोशी हो गई मैं। अब समझ में आता है आप लोगों का ये शो टॉप पे क्यों है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सच्ची में आज मैं खामोशियाँ गुनगुनाने लगी। राम लखन के बाद सीता और गीता, क्या बात है। अरे बट दैट्स प्रीतम इज अ बॉय, ये लड़का है। हाँ कोई बात नहीं, आजकल लड़का लड़की है, लड़का लड़की है, लड़का। वाह क्या बात, सेट लव फ्री, सेट लव फ्री। आप दोनों की इंश्योरेंस हो चुकी है ना, जिस तरह आपसे ये डांस करवा रहे हैं, कोरियोग्राफ किया है, ये एब्सोल्युटली जैसे कि कहते हैं ना, मेरी जान यहाँ अटकी हुई थी। वो जो आपने जंप किया, यहाँ किया, वहाँ किया, इट वॉज अनरियल। यू आर नॉट फॉर रियल। आप लोग होते ना, कुछ होते ना, कुछ अजूबे होते हैं जो ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे लोग होते हैं इस धरती पर, मगर वाकई सातवां और आठवां अजूबा है। क्या बात है, फैंटास्टिक। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.